نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق الله العظيم آپ کے سامنے سورة بقرہ کی آیت نمبر 75 تلاوت کی ہے इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आफत मीनू क्या तुम तमा रखते हो क्या तुम उम्मीद रखते हो यूं लकुम के वो तुम्हारे लिए ईमान ले आएंगे वक़द कान फरीकुम मिन हम और कान फरीकुम मिन हम में से एक ग्रोह यस मूना वो सुन चुका अल्लाह के कलाम को कलाम अल्लाह अल्लाह के कलाम को सुम्मा युहर्रिफू फिर उसने उसको बदल डाला मिम्बा आदिमा अकलू बाद इसके कि वो समझ चुके थे वहम या आलमून और वो जानते थे यानी जान बूझ कर पर उसको तब्दील कर दिया पिछले दुरुस में आप हजरत ने बात समाज फरमाई कि यहूदियों के बारे में बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं यहाँ से अल्लाह ताला मुसलमानों को ख़ताब फरमा रहे हैं वो नौ मुस्लिम जो नए नए मुसलमान हुए थे मदीना के मुसलमान उनको ये उम्मीद थी और वो यहूदियों को दावत देते थे इस्लाम की उसकी वजह ये थी कि ये वो मुसलमान थे चूँकि इनके हमसाए यहूदी थे और इन्होंने यहूदियों से ही इस बात को सुना हुआ था कि आखिरी नबी आने वाले हैं जो उस नबी पर ईमान लाएगा जो उसका साथ देगा वो पूरी दुनिया पर छा जाएंगे और इन्होंने उन यहूदियों से ही सुना हुआ था शरीयत के नबूवत के किताब के और आखरत के बारे में तो ये पहले से तैयार थे और तैयारी कहाँ से थी यहूदियों के जरिए से क्योंकि उन्होंने इनको बताया था यही वजह थी कि जब ये मालूम इन्होंने हासिल की और नबी अलैहि वसल्लम की नबूत के चर्चे जब इन्होंने सुने तो ये लोग जोक दर जोक जो है वो इस्लाम में दाखिल हुए और इन्होंने इस्लाम कबूल किया अब इनको इंतज़ार इस बात का था कि जिनकी वजह से जिनकी तालीमात की वजह से जिनकी मालूम की वजह से हम मुसलमान हुए हैं वो तो हमसे पेश पेश होंगे वो तो हमसे पहले ही इस्लाम कबूल कर रखा होगा उन्होंने तो चूंकि इन्होंने यहूदियों से इन बातों को सुना था अब ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि यहूदी कब मुसलमान होते हैं क्यों क्योंकि इनको लगता था कि देखें उन्होंने हमको मालूम दी हैं लिहाजा वो ज़्यादा जानते हैं इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब अल्लाह ताली फरमा रहे आफतमाइएम कि क्या तुम उम्मीद रखते हो उनसे कि वो तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे कि यहूदी तो ईमान नहीं ले आएँगे बल्कि यहूदी तो इस बात को चाहते हैं कि वो तुमको भी इस्लाम से रोक दें और सुर आल इमरान की आयत नंबर बहत्तर में आगे आएगा कि यहूदी क्या करते थे अपने जो छोटे लोग होते थे उनको ये कहते थे कि ऐसा करो ईमान ले आओ सुबह के वक्त ईमान लाओ और शाम के वक्त कुफर कर दो और ये बात फैला दो कि देखो हमने ईमान कबूल किया था हम इस्लाम में दाखिल हुए थे लेकिन हमें रियलाइज़ हुआ हमने मुशाहिदा किया हमने तहक़ीक ये की कि ये नबी वो नबी नहीं है जो तौरात में जिनका ज़िक्र था ये नबी वो नबी है ही नहीं जिनका तो रात में जिक्र था अब मुसलमानों को ये बात समझाई जा रही है कि देखो इनसे उम्मीद न रखो वक़द कान फ़रीक उम मन हम यस्माऊन कलाम अल्लाह के ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के कलाम को सुना और उसके बाद यू हर रिफू ना हो फिर उसमें तब्दीली कर डाली और लंबी एक सिलसिला था जिनमें यहूदियों की साजिशों के बारे में मुसलमानों को बतलाया गया कि मुसलमानों इनसे ईमान की उम्मीद ना रखो इनके ऊपर ना रहो कि ये तो वो लोग हैं कि पहले फ़िरौन की गुलामी में थे अल्लाह ताला ने इनके ऊपर इनाम किया इनको गुलामी से निकाला इनके दुश्मन को इनकी आँखों के सामने समुंदर में गर्ग किया उसके बाद इनके ऊपर इनाम किया बादलों का साया किया सलवा नाजिल किया लेकिन इन्होंने उसके ऊपर भी नाफ़रमानी की फिर इन्होंने मुतालबा किया कि हमें किताब चाहिए हमें कानून चाहिए जिसके जेर सए हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें हज़रत मूा सलात कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जाते हैं और किताब जब वापस लेकर आते हैं तो ये बछड़े की पूजा में लग जाते हैं ये तो ऐसे नाफरमान लोग हैं फिर जब हज़रत मूसी सलातम उस किताब को ले आते हैं तो इस किताब को मानने से फिर इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि आप किताब कहाँ से ले आए चुनाच हज़रत मिसली सलातम इनके सत्तर अफराद को लेकर जाते हैं कोहे तूर पर और वो खुद अल्लाह का कलाम सुनते हैं जो अल्लाह ताली हज़रत मलातम से करते हैं उस अल्लाह के कलाम को सुनने के बाद फिर आगे से इनका मुतालबा होता है कि हम तब तक ना मानेंगे जब तक हम अपनी आँखों से अल्लाह ताली को ना देख लें इनकी इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताली इनको एक चीख के ज़रिए से मार देते हैं और हज़रत मसल सलाम की दुआ के जरिए से अल्लाह ताला उनको दोबारा ज़िंदा करते हैं अब देखें इनाम पर इनाम इधर इनाम इधर इनकी नाफरमानियाँ लेकिन अल्लाह ताला इन पर फिर इनाम करते हैं अब ये ज़िंदा होने के बाद फिर अपनी कौम पर आते हैं और कौम को आने में कौम को आने के बाद कौम को के सामने गवाही देते हैं कि ये वही किताब है कि अल्लाह ताला ने नाजिल की है लेकिन साथ ही यू हर रिफू उसको तब्दील कर देते हैं ये कह कर कि नाजिल तो अल्लाह ने की है लेकिन अल्लाह ये भी फरमाते हैं कि जो तुमको आसान लगे उसको मान लो और जो तुमको मुश्किल लगे उसको छोड़ दो अब अल्लाह ने यह बात नहीं की थी लेकिन इन्होंने खुद से अपनी तरफ से इस बात को बदल डाला इसी तरह ये तो वो लोग हैं कि जिनको ये हुक्म दिया गया था कि मछली का शिकार हफ्ते वाले दिन ना करना लेकिन इन्होंने हीला बाजियों के ज़रिए से मछली का शिकार किया और अल्लाह ताला ने इनको बंदर और जली बंदर और खनज़ीर बना दिया कि इनके ऊपर मोमिनो इनके ऊपर ना रहो इनकी ऊपर उम्मीदें ना रखो कि ये ईमान लाएंगे तो तब हम मुसलमान ही रहेंगे ये तो इनके तो जनाब घुट्टी के अंदर ये बात शामिल है कि ये साजिशें और नाफ़रमानियाँ करते हैं और फिर जब हज़रत मूसलाम के ज़माने में एक बंदे को इन्होंने कत्ल कर दिया और उसका इल्जाम भी दूसरे ग्रहों पर डाल दिया अब लड़ने लगे झगड़ा करने लगे जब हज़रत मलातम ने यह तस्करे आए मुसलमानों के सुनाए गए कि इनकी ताकि इन इनकी साजिशों में ना आ जाएँ कि ये तो वो लोग थे कि जिन्होंने हजरत मिसतलम से सवालत पे सवाल किए अच्छा बतलाइए उस बछड़े का रंग कैसा हो उसकी उम्र कैसी हो वो क्या करता हो और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि कसत कुलूब हुकुम के ये वो लोग हैं जिनके दिल पत्थर हो गए बल्कि पत्थर से भी सख्त हो गए कि पत्थर भी ऐसे होते हैं कि जो लोगों को नफ़ा दे देते हैं लेकिन ये वो लोग हैं जो अपनी साजिशों और अपनी दुनिया की लालच के अंदर लोगों को नफा नहीं देंगे लिहाजा ये कभी भी ईमान कबूल नहीं करेंगे तो मुसलमानों आफतत मऊना क्या तुम उम्मीद रखते हो आई उमीन कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान कबूल करेंगे वकद कान फ़रीक उमिन हालांकि इनमें से एक ग्रोह जो है यस माऊना कलाम अल्लाह के कलाम को सुन चुका सर रिफून हो फिर उसने उसको बदल डाला और यहूदियों ने जो हजूर सल एक तो देखें आपने ये सुना कि कलाम सुनकर आए और क्या कह दिया कि अल्लाह क्या कह रहे हैं अल्लाह यह कह रहे हैं कि भाई जो आसान लगे उसको मान लो जो मुश्किल लगे उसको छोड़ दो तो अल्लाह के कलाम को बदल डाला इसी तरह जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूद थे उन्होंने भी यही काम किया तो रात के अंदर ये बात मौजूद थी कि जो शख़्स जिना करे जानी की सज़ा संसार है उसको पत्थर मार मार के मार दिया जाए लेकिन इन्होंने उस सज़ा को भी बदल डाला और इन्होंने कहा कि जो अशरफा हैं जो अमीर तरीन तबका है उनके लिए ये सज़ा नहीं है बल्कि अपनी तरफ से सज़ाएँ मुकरर कर दी इसी तरह तो के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक मौजूद था कि आप अली सलाम का हुलिया मुबारक क्या होगा कि आप अली सलात वाम खुश शक्ल होंगे घुघरियाले बाल होंगे स्याह आँखें होंगी कद दरमाना होगा और इन्होंने उसको भी बदल दिया इन्होंने बदल दिया और अपने जो यहूद थे और जो दूसरे लोग थे उनको ये बताने लगे कि भाई देखो तोरात में आखिरी नबी की निशानियाँ मौजूद हैं लेकिन ये निशानियाँ वो नहीं हैं जो इस नबी में पाई जाती हैं इन्होंने खुद से तारीफ़ कर डाली और बदल दिया कहने लगे कि तौरात तो में तो है कि जो आखिरी नबी आएंगे उनके बाल सीधे होंगे आंखें नीली होंगी और कद लंबा होगा कद लंबा होगा हालांकि तौरात में ये नहीं था तौरात में इसके उल्ट था और इन्होंने उसको तारीफ कर दिया तो मुसलमानों को यह बतलाया जा रहा है कि देखो इनके ऊपर ना रहो ये कभी भी तुम्हारी दावत पर ईमान नहीं लाएंगे क्यों इनके अंदर तो जनाब दुनिया की हिरस और लालच इस कदर बढ़ चुकी है क्या आपने पिछले समात फरमाया पिछली आयात में कि इन्होंने तो अंबिया को कत्ल तक कर डाला तो ये कैसे आज तुम्हारी दावत के ऊपर ईमान ले आएंगे लिहाजा तुम अपनी दावत और अपने इस्लाम पर कायम रहो और फिर मुसलमान कायम रहे मुसलमान कोई भी मुसलमान जो है वो इनकी वजह से दोबारा उसने इस्लाम को नहीं छोड़ा कभी भी इस्लाम को नहीं छोड़ा और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इनको समझते हैं कि यहूदी जो हैं साजिशी हैं और अल्लाह की नाफरमान कौम है और हम सब को चाहिए कि हम सब इनकी साजिशों से बचें और कभी भी इसराइल जो यहूदियों का गढ़ है रियासत नहीं रियासत नहीं बल्कि वहाँ उन्होंने कब्ज़ा जमाया हुआ है यहूदियों का गढ़ है हम कभी भी इनशाज़ीज़ उसको ना तो तस्लीम करेंगे और ना ही उनको मानेंगे इनशा लजीज़ अल्ला तक हमेशा जिलीलुख्वार करेंगे वाखर दावानादिल्ल रबालम्ल अल्लाह नबी जिल वसम तम कसरा जी हम सबको मुआफ़रमा